तो मिलही न रघुपति बिनु अनुराग। अनुराग चाहिए, राग होगा तो ईश्वर नहीं आएगा। हमारे जीवन में अनुराग होगा तो हमारे परमात्मा हमें हृदय से लगा लेते हैं। अनेकों बातें हैं भगवान से संबंध जोड़ने वालों के विषय में, और छोटी सी बात कहते हुए हम आगे फिर उसी पुनः भाव में प्रवेश करेंगे जिसके इंतजार में हम लोग बैठे हैं। भाव का विषय, और ये बात स्वयं महाराज तुलसी दास जी तो बताते ही, साथ साथ सूरदास, उन्होंने भी बड़ी अच्छी बात कही। बाबा कीर्तन करने बैठ जाते थे अपनी कुटिया में, कीर्तन करने नेत्रहीन महात्मा कीर्तन करने लगते थे। जब भगवान को भाव से पुकारने लगे तो कीर्तन में इतने तल्लीन हो जाते हैं। भगवान के जो भक्त होते हैं ना, वो दिन भर उनका यही कार्य है, भगवान का नाम ही जपते, भगवान को ही स्मरण करते हैं और सामाजिक कल्याण का कार्य करते हैं। तो बाबा निरंतर जब गोविंद नाम का जाप करने लगे, अब जाप करते करते इतनी तन्मयता उनको आ गई, इतनी तन्मयता, इतने तल्लीन हो गए कि कब रात्रि बीत गई और भोर के 3 बज गए, ब्रह्म बेला शुरू होने लगा। 3 बज गए, वो हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल, केवल हे गोविंद हे गोपाल करते करते जब 3 बजे तो बाबा को ऐसा महसूस हो गया कि पूरा रात बीत चुका है। शायद जो हमारे साथ साथी हमारे थे वो शायद हमें छोड़कर चले गए, हमारे साथ नाम जपने वाले चले गए होंगे, अब हमें भी उठ करके अपनी कुटिया में जाना चाहिए। बाबा उठे, अपनी कुटिया में जाने लगे कि माताजी बीच में कुआं था, और जब बाबा जाने, अब नेत्रहीन महात्मा, अब जब जाने लगे कुआं था, उसी कुएं में गिर गए, बोलो सियावर रामचंद्र की, इस ब्रह्म बेला में गिर गए कुएं के अंदर, कौन निकाले, कौन करेगा रक्षा। लेकिन उसी समय एक छोटा सा बच्चा 5 वर्ष का, उसने आवाज लगाई, अरे बाबा हाथ ऊपर करो, मैं तुम्हें पकड़ के निकाल देता हूं। सूरदास जी ने जब हाथ ऊपर किया, अब भगवान तो भले रूप छोटा बना है लेकिन भगवान तो कभी भी विशाल बन सकते हैं, कभी भी छोटे बन जाते हैं, और भगवान ने अपने भुजाओं को इतना विशाल बनाया, और भुजाओं को विशाल बना करके भगवान ने संत के हाथ को पकड़कर भगवान ने उस कुएं से बाहर निकाल दिया, और संत की तो रक्षा की, और कहा ए बाबा अब चलो मैं तुम्हें तुम्हारी कुटिया तक छोड़ देता हूं, नहीं पता नहीं फिर कहां गिर जाओगे, कोई भरोसा नहीं तुम्हारा। अब सूरदास जी, छोटे से बालक ने सूरदास के हाथ को पकड़ा है, गौर से सुनिएगा, और हाथ को पकड़कर, बाबा के एक हाथ में लाठी है, एक हाथ को कन्हैया पकड़कर कुटिया तक लेके जा रहे हैं। और जब जाने लगे तो बाबा के मन में थोड़ा सा सोच, मन में विचार चला, चतुराई चली, ये कोई और नहीं है, सांसारिक बालक कभी ब्रह्म काल में उठ ही नहीं सकता, ये तो स्वयं नारायण है जो मेरी रक्षा के लिए यहाँ आए, स्वयं मेरे गिरधर गोपाल हैं जो मेरी रक्षा के लिए यहाँ आए। तो अब अच्छा मौका है, बहुत दिनों से भागे फिर रहे थे, आज मुसीबत में आए हैं, तो क्यों ना आज मैं ऐसा कस करके इनको पकड़ूंगा कि आज से ये भाग ही नहीं पाएंगे कहीं, जिंदगी भर भागे हैं, भागते ही फिरते हैं, कभी माखन लेके भागेंगे, तो इनके भागने की जो आदत है, बाबा ने कहा आज ऐसा कसकर पकड़ूंगा कि भाग ही नहीं पाएंगे आज के बाद। बस चतुराई आई, और आप जानते हैं मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, चतुराई छोड़ देना, और जहां बुद्धि आती है ना तो फिर भगवान साथ नहीं देते। और क्या किया, जैसे सूरदास जी ने झट लाठी फेंकी और सोचा जो ये हाथ पकड़े झट से साथ से उनके हाथ को पकड़ लूंगा, लेकिन जैसे ही लाठी गिराई और भगवान जिस हाथ को पकड़कर उधरी हाथ भगवान का हाथ पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, और जैसे बढ़ाया कि भगवान अंतर ध्यान हो गए, बोलो कृष्णचंद्र भगवान की।
अंतर ध्यान हो गए भगवान। और जब अंतर ध्यान हो गए तो बड़ा रोना आया, बैठ गए वहीं रोने लगे कि काहे की चतुराई लगाई मैंने, भगवान हमें छोड़ के चले गए। लेकिन छोड़ के क्यों ना जाए, अब ताना भी देना शुरू कर दिया। बाह छुड़ा के जात हो निर्बल जाने के मोही, मैं निर्बल हूं, मैं आज मेरे पास नेत्र नहीं है तो तुम मुझे, मेरे हाथ को छुड़ाकर तुम मुझसे दूर चले गए। बाह छुड़ा के जात हो निर्बल जाने के मोही, और हृदय छुड़ा कर जाओ तो मर्द बखाना। बाह छुड़ाना आसान है, दिल से निकल करके दिखाओ तब जाने, क्योंकि जिस दिल में तुम बस गए हो यहां से निकल करके दिखाओ तब जाने। और जिसने भगवान को अपने हृदय रूपी कोठरी में हमेशा रखा है वही संत होते हैं। एक बार एक व्यक्ति ने पूछा कि महाराज संत और असंत में भेद क्या है, क्योंकि सब घट मेरा साइया सुनी सेज न कोई। जब भगवान सबके हृदय में रहता है तो फिर संत कौन है और असंत कौन है। तो एक साधक ने कहा दरअसल जिसने उसे अपने हृदय रूपी सिंहासन पर, जो परमात्मा सबके हृदय में तो है पर सो रहा है, लेकिन जिसने उसको उठाकर जगा दिया बिठा दिया, सत्य बताऊं तो संत तो वही है। और जो सोने देता है जिसे ज्ञात ही नहीं है कि मेरे भीतर भी मेरा परमात्मा है। भगवान कहते हैं ऐसे लोगों से हमें भी कोई लेना देना नहीं है, धन्य है भगवान। भाव आना चाहिए जीवन में।